दोस्तों, आज का सुबह का व्यू कैसा लगा आप लोगों को? मुझे तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा व्यू देखने को मिलता है। ये रेयर होता है। वैसे ऐसे टूरिस्ट अगर कोई आएगा तो उसको सोचेगा कि कब ये ऐसा व्यू मिलेगा, तो पॉसिबल नहीं है। मुझे भी नहीं पता, सालों बाद मैंने इतना बढ़िया ये इंद्रधनुष देखा है, क्योंकि मौसम अपने रंग बदल रहा है इस समय। और दोस्तों, कल रात मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव कल पहुंच गए यहाँ पर, और बातचीत उनसे बहुत पहले से चल रही थी, तो उनके साथ मेरा एक प्रोग्राम था और रात को पहुँचे। और अब हम सुबह तैयारी में लगे थे कि अब निकल रहे हैं यहाँ से, और आपको इस जो जर्नी है इसमें कुछ मैं नई चीज़ों को दिखाने जाऊँगा, और प्रयास करूँगा कि आपको क्लियरिटी मिले कई सारी चीज़ों की। तो जो मेरे फ्रेंड आए हैं उनसे भी आपका परिचय करा देता हूँ। तो सर जी बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हाय। हैं। तो ये भी हमारे सब्सक्राइबर बन गए हैं और इन्हें भी मज़ा आ रहा है। तो मैंने बताया था कि चलिए जर्नी की जर्नी होगी, हमारा काम जो है वो भी कर लेंगे और साथ में कुछ फन हो जाएगा, और आप लोगों को भी कुछ नई नई चीज़ें हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बस बैग वैग सब हमारा रेडी हो चुका है और बस निकलने ही जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से निकलना। दोस्तों, घर से निकल चुके हैं हम लोग और ऊपर मेन रोड से जा रहे थे, तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो रोड ब्लॉक थी वहाँ पर। तो अभी ये नीचे लिंक रोड टैक्सी स्टैंड से हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ से पूरा अल्मोड़ा एक अलग तरीके से दिखाई देता है। तो जिन्होंने नहीं अल्मोड़ा देखा तो उनको बहुत मज़ा आएगा। ये इस नीचे रोड से हम लोग जाएंगे, ये सीधा बाईपास है नीचे से, और ये सीधा आपके मेन रोड में मिल जाएगा जाके। तो ये बेस हॉस्पिटल से होकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन है कैंची धाम। तो नीम करौली बाबा के हम लोग दर्शन करेंगे। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। दोस्तों, हम आउटर अल्मोड़ा पे आ गए हैं, बाईपास पे। यहाँ से अगर आपको मैं व्यू दिखाऊंगा तो बहुत ही डिफरेंट दिखेगा। ये सामने शाही देवी, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, ये शाही देवी बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल फ्रंट में आ जाती है। नीचे आपको कोसी रिवर भी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, ये हम मेन अल्मोड़ा से जो सिटी से निकल रही है उस रोड में मिल गए हैं। सामने लिखा है दिल्ली नैनीताल हल्द्वानी, और यही आज हमारा रूट रहेगा। ऊपर रास्ता बंद था, इस वजह से हमें नीचे बाईपास से आना पड़ा। तो अब हम यहाँ से सीधा क्वारब पहुँचेंगे, और क्वारब से फिर हम गर्म पानी पर पहुँचेंगे। तो चलिए क्वारब पहुँचते हैं, नदी पर। दोस्तों, हम बाहर आ गए हैं अल्मोड़ा से बिल्कुल। सामने अगर आप देखेंगे, ये पीक जो आपको दिखाई दे रही है, ये कसार देवी है जो हमारे यहाँ से दिखती है।
और ये जो लेयर देख रहे हैं पहाड़ की, ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, ये अल्मोड़ा यहाँ से शुरू हो जाता है। और रावत जी ट्राई कर रहे हैं बाइक चलाने के लिए, क्या रावत जी ट्राई करोगे? आज रावत जी को ड्राइव कराते हैं। और देखिए बारिश ऊपर पहाड़ों में इतनी हो रही है कि नीचे ये कोसी रिवर है हमारी, और इसमें नॉर्मली इतना पानी होता नहीं है, उफान इतना नहीं आता है, पर आप देखिएगा तो ऊपर तक आवाज़ आ रही है, और इससे लगता है कि ऊपर पहाड़ों पे भारी बारिश चल रही है इस समय। हमें भी नहीं पता आगे क्या रहेगा बारिश का माहौल। और ये सामने जो पहाड़ है, ये शाही देवी, जो उधर से इसके आप साइड व्यू आपको मैं दिखा। ये दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, और ये समझिए कि अल्मोड़ा में एंट्री करते ही इनका दरबार आ जाता है। और ये हम ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं, ये अभी ब्रिज आ गया है आपका, क्वारब ये जगह है। तो अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो ये हल्द्वानी से रास्ता आ रहा है, ये रोड आ रही है हल्द्वानी नैनीताल भवाली, और आप देख रहे होंगे कि वो सामने भी एक रोड जा रही है ब्रिज के, उस दूर आप देख रहे हैं ये भी एक रोड है जो आपका रामगढ़ मुक्तेश्वर से होते हुए भवाली में मिलती है। तो कई बार जो ये हल्द्वानी मार्ग है बंद हो जाता है, तो लोग इस मार्ग से भी सीधा भवाली पहुंच सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा है, मुक्तेश्वर साइड से अगर आप जाओगे तो यहाँ की सीनिक ब्यूटी बिल्कुल डिफरेंट है। और ये देख ही रहे हैं ये ब्रिज आ गया है। दोस्तों क्वारब से कुछ ही किलोमीटर आगे सियालबाड़ी क्षेत्र आ जाता है, एक गांव है छोटा सा। ये नदी के साथ साथ ही हम आगे जाएंगे, अभी देखिए नदी में काफ़ी पानी है बरसात के कारण। तो ये जो सीधा हम जा रहे हैं यहीं से आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ किलोमीटर आगे ही आपको सवालबाड़ी जो गांव है वहाँ पर हम पहुँचेंगे। जैसे ये देखिए अब आ गए हम यहाँ पर, और यही यहाँ पर ये जसुली अम्मा, जसुली देवी जी की ये धर्मशाला के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, और इसी को मैं आपको आज इसी के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। और इसका मैं क्रेडिट दूंगा हमारे रघुनंदन जी हैं सब्सक्राइबर, मेरे मित्र भी हैं उनको। दोस्तों जैसा यहाँ लिखा भी हुआ है, महान दान वीरांगना लल्ला अम्मा जसुली देवी, और जसुली देवी की एक कहानी है। मैंने तो कहीं नहीं मतलब ऐसे सुनी टीवी वगैरह पे, बट मैं इसको अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने जानकारी जुटाई उसके आधार पर इसमें बताया गया है कि अतीत में जब कुमाऊँ के पहाड़ी क्षेत्र मोटर मार्ग से नहीं जुड़े थे तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा के निवासी हल्द्वानी तक का सफ़र पैदल ही किया करते थे, और इन मार्गों से मतलब इतनी लंबी यात्राएं करते थे तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और बहुत से तीर्थाटन जो होता है मतलब तीर्थ यात्रा पर जो जाया करते थे वो भी लोग थे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पुराने समय से चली आ रही है, 19वीं सदी की बात बताते हैं कि जसुली अम्मा ने धारचूला से लेकर टनकपुर और काठगोदाम तक अपने खर्चे से पैदल रास्ते में करीब 200 धर्मशालाएं बनवाई थी, ताकि राहगीर जो है आवास की सुविधा उनको मिल सके। और अल्मोड़ा समेत कई जगहों पर जसुली अम्मा द्वारा बनेगी, ये एक अल्मोड़ा क्षेत्र ही आता है तो इसके अवशेष अभी भी बचे हैं, और ये अभी कई जगह और भी जगह आपको यहाँ मिल जाएगा इनका। और आज इनकी हालात आप जैसे देख ही रहे हैं कैसे हालात हो चुके हैं, और बताया जाता है कि इन्होंने धारचूला की दारमा घाटी के दातू गांव की जसुली अम्मा बड़े व्यापारी घराने से थी ये बहुत, और व्यास चंदोस की घाटियों में रहने वाले रंग समाज के लोग शताब्दियों से तिब्बत के साथ व्यापार करते रहे हैं, जिसके चलते पूरे कुमाऊँ गढ़वाल के इलाकों में ये काफ़ी धनी लोग माने गए थे। काफ़ी धन संपदा की इकलौती मालकिन जसली अम्मा जो हैं विधवा हो गई थी अपनी अल्पायु में, और
उसी के साथ इनका एक पुत्र भी था जिसकी मृत्यु भी असमय हो गई। तो निसंतान ये रहीं और फिर अकेलेपन हताशा में वृद्धा अवस्था के समय में बताते हैं कि इनके मन जो है इनका मन मतलब उखड़ गया जीवन से। इन्होंने सोचा कि सब मैं सारा जो मेरे पास पैसा है संपदा है ये धोली गंगा नदी है उसमें बहा देती हूँ मैं, और पर इनको यही लगा कि मैं सारा धन बहा देती हूँ। पर इत्तेफाक की बात देखिए, वहाँ पे बताते हैं लोग कि कोई ब्रिटिशर थे जो जिन्होंने इनको मतलब इनको पता लगा, और वो कमिश्नर अंग्रेज हेनरी रैमेज के काफिला वहाँ से गुजर रहा था कहते हैं। तो मैं ये पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैं सोचे कि मैं कोई स्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने भी ये भी जानकारी इकट्ठी की और आज इसी जगह बैठकर इन्हीं ये एक छोटा सा कमरा इनका है। तो उन्होंने इनके माइंड को चेंज किया कि आप जन कार्यों में अपना पैसा लगाइए, आप नदी में क्यों बहाना चाहती हैं। तो इसी चीज़ को देखकर इनका मन पलट गया और उन्होंने फिर ये पैसा जो है कुमाऊं, गढ़वाल, नेपाल, तिब्बत तक व्यापारियों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण कराना शुरू कर दिया। और इतिहासकार बताते हैं कि मुगलों की सराय शैली में ही ये बनाई गई हैं। एक ज़माने में ये धर्मशालाएं ठीक ठाक हालात में समूचे कुमाऊं गढ़वाल में देखी जा सकती थी। जसुली अम्मा ने नेपाल के महेंद्र नगर और बैतेड़ी जिलों के अलावा तिब्बत में भी ऐसी कई धर्मशालाओं का निर्माण किया, और माना जाता है कि इनकी कुल संख्या 200 के आसपास थी। पीने की पानी की समुचित व्यवस्था भी थी। और देखिए, विशेष शिल्पकारी की बनी हुई धर्मशालाएं आज भी ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुमाऊं के एक ऐतिहासिक धरोहर है अगर देखा जाए तो, और अगर इनको हम थोड़ा सा संभाल कर रखें, गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे, तो ये एक बाहर से आए टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो सकती है। और ऑन रोड है, और ऐसी कितनी ही धर्मशालाएं कहाँ कहाँ हैं मैं तो नहीं जानता, बट एक्चुअली मैंने इसको बहुत पहले देखा था। मैं कहता था ये पता नहीं किस तरह का ये बनाया हुआ है, बट अब मुझे इसकी डिटेल पता लगी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। तो कुछ चीज़ें मैंने पढ़ के आपको बताई हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ा तब मुझे पता लगा, और बाई चांस आज मैंने सोचा कि इसको भी मैं शूट कर लेता हूँ। व्लॉग मेरा आज लंबा चलेगा, मतलब व्लॉग को हम एपिसोड में लेकर आएंगे, क्योंकि ये स्टोरी भी सब लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, लोग जाने इस बारे में। तो चलिए, हमारे रावत जी वेट कर रहे हैं कि अब आगे की जर्नी को हम बढ़ाते हैं। तो चलें सर। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हम फंस गए हैं यहाँ ट्रैफिक जाम में, क्योंकि आगे पहाड़ में कटान चल रहा है। सो इस व्लॉग में इतना ही, कल आगे यात्रा बढ़ाएंगे और पहुँचेंगे नीम करौली बाबा के यहाँ पर कैंची धाम। और तब तक के लिए बाय बाय।